हेलो फैमिली, मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार जी के दरमियान दोस्ताना नहीं था, ये कहा था अमित कुमार जी, किशोर कुमार के सुपुत्र ने। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल आता। आज के वीडियो की ओपनिंग सुनकर के आप जरूर से चौंक उठे होंगे। अमित कुमार जी, जो कि किशोर कुमार जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने अपने ही जबानी कहा था कि मोहम्मद रफी साहब और बाबा यानी उनके पिताश्री किशोर कुमार जी के बीच में दोस्ताना नहीं था। जी हां दोस्तों, दोस्ताना नहीं था, लेकिन था क्या आज हम बताएंगे आप सबको एक ऐसी सच्ची कहानी जो अमित कुमार जी ने मोहम्मद रफी साहब को सही मानों में प्यार करने वाले हमारे चैनल के व्यूअर्स और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर के साथ साथ हमारे अजीज दोस्त भी हैं, ऐसे मुंबई के श्री भरत दवे जी को। भरत दवे जी ने अपनी जबानी ये बात अमित कुमार जी ने जो कही थी वो हमें बताई है। हम शुक्रिया अदा करते हैं भरत भाई दवे का कि जिन्होंने ये प्यारा सा सच्चा किस्सा हमें सुनाया है। एक म्यूजिकल फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था मुंबई में, जिसमें अमित कुमार जी शरीक होने वाले थे। हमारे मित्र भरत भाई दवे भी उस फंक्शन पर मौजूद थे, जो अमित कुमार जी से खास तौर से मिलने पहुंचे, उनसे उनके गीतों की तारीफ वगैरह की और आहिस्ता से अमित कुमार जी से कहा कि मैं रफी साहब का भक्त हूं। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, अमित कुमार जी सच में अपने चेयर से खड़े होकर के भरत भाई से मिलने आगे आए और हाथ पकड़कर अपने पास में बिठाया और उन्होंने कहा कि आप रफी अंकल को प्यार करते हैं, हम भी उनको बेहद ही रिस्पेक्ट देते हैं। रफी साहब की और अब्बा की, बाबा की, किशोर कुमार साहब की, दोनों की तस्वीर फुल साइज हाथ मिलाती हुई आज भी हमारे घर के दीवार पर लगी हुई है। रफी साहब और बाबा के बीच में दोस्ताना नहीं था, लेकिन था भाईचारा। ये अल्फाज थे अमित कुमार जी का। सोशल मीडिया पर लोग अक्सर ऐसी बातें बताते हैं कि रफी साहब, मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार जी के बीच में कोई अनबन थी, कोई कंपटीशन था, कोई मनमुटाव था, लेकिन दरअसल ऐसी कोई बात इन दोनों महान फनकारों के बीच में कभी भी राइज नहीं हुई। दोनों के बीच में दोस्ताना नहीं, भाईचारा था। दोस्तों दोनों फनकारों के फन को, उनकी महानता को सलाम करते हुए प्रस्तुत है आज का विचार बिंदु। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज पूरे जीवन भर सुनाई देती रहती है। दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतजार करते रहेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।